गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के रजत जयंती सभागार में शनिवार को विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए यूजीसी के चेयरमैन डॉक्टर वेद प्रकाश और विशिष्ट अतिथि यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति पद्मश्री डॉक्टर एन आर माधव मेमन और कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण चतुर्वेदी ने 31 विद्यार्थियों को शोध उपाधि और 81 विद्यार्थियों को 93 स्वर्ण पदक प्रदान किया। देखिए, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षांत समारोह आज एक बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम में संपन्न हुआ। हम सभी के लिए बहुत सम्मान का विषय था कि इस हमारे कार्यक्रम में यूजीसी के चेयरपर्सन श्री वेद प्रकाश जी पधारे और विश्वविद्यालय के चांसलर प्रोफेसर माधव मेनन भी हमारे बीच मौजूद थे। बहुत ही हर्ष और उत्साह के वातावरण में, जैसा आपने देखा कि छात्र छात्राएँ अपने मेडल्स लेने आए, अपनी उपाधियाँ लेने आए, उनके माता पिता और परिवार वाले भी आए। 93 गोल्ड मेडल बांटे गए और 61 शोध उपाधियों का वितरण किया गया। आज विश्वविद्यालय के लिए ये भी एक बहुत अच्छा दिन है कि आज विश्वविद्यालय में इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट क्लासेस का भी उद्घाटन हुआ। दीक्षांत समारोह में सम्मानित होकर छात्रों ने इसके पीछे काफी मेहनत और परिवार का बहुत ज्यादा समर्थन होने से ऐसी उपलब्धि मिलने की बात कही। इसके अलावा शिक्षकों के द्वारा किए गए मदद के लिए भी उन्होंने आभार जताया। पूरे 2 साल की एमए की मेहनत और फिर लास्ट में रिजल्ट, बड़ी खुशी होती है कि अगर किसी एग्ज़ाम्स का अगर परिणाम कुछ इस तरह से मिले, और सिर्फ मेडल पाना या इनाम पाना ही एक अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए किसी विद्यार्थी का। उसमें एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, एक परिवर्तन लाने की भूमिका होनी चाहिए समाज में, और कुछ चीज़ें समाज को मिले। अगर ये देश हमें कुछ शिक्षा दिया है तो हम उसे लौटाना चाहिए, ये मान्य रखता है कि हम उनसे क्या दे रहे हैं देश को। बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स सबका सहयोग रहा है, इसीलिए हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत खुशी लग रही है। मेडल के लिए व्यक्तिगत अपना ही सहयोग नहीं रहता, मतलब सबका, जैसे टीचर्स हो गए, घर का सहयोग तो प्राकृतिक होता है, इन्वायरमेंट, मित्रगण, ऐसा। रजत जयंती सभागार में दीक्षांत समारोह के मौके पर विद्यार्थियों ने सम्मान और मेडल पाने की खुशी अपने दोस्तों, परिजनों और शिक्षकों के साथ साझा कर अपनी इन उपलब्धियों को लगातार बरकरार रखने का संकल्प लिया। मेडल और उपाधि पत्र से सम्मानित विद्यार्थियों के चेहरों में खुशी साफ देखी जा सकती है।